एकदम कट कुट नहीं मारते भाई, जब गाड़ी चलाते हैं समझ गए। कट मारना इस मतलब आपकी बॉडी में कट लगना, अब वो गहरा कट, नॉर्मल कट, फिर अपर कट, लोअर कट, हायर कट। थोड़े शॉर्ट लिए एक दो, वो मैं दिखा दूंगा आपको व्लॉग में। और खेत देखो, खेत के नज़ारे लो, ये देखो दूर दूर तक खेत, और मैं भी दिख रहा हूँ आपको कोने में स्क्रीन पे। ये नाली, यहाँ पर सप्लाई, पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई खेतों में होता है। हेलो गाइस, तो स्वागत हो चुका है आपका हमारे को नए व्लॉग में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त एकदम। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज व्लॉग ऐसे जल्दीबाजी में शूट करनी पड़ रही है क्योंकि मैं निकल रहा हूँ अभी फिलहाल विकास नगर की तरफ, जो कि लॉन्ग रूट होने वाला है। तो दिन के 12 बज गए, मुझे भी लेट हो गई काफ़ी, जल्दी निकलना था। और चलते हैं थोड़ी देर में गाड़ी पे, गाड़ी भी स्टार्ट है बाहर, सब कुछ झुलवा के मैंने रेडी कर रखा। और फ्रैंक से मिलो, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बाय बच्चों, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है, चीज़ें लाऊंगा खूब सारी। बाय बाय, ठीक है, बाय 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 बाय, मेरा उल्टा प्यार से बच्चा, बाय। तो इसको छोड़ते हैं और टाइम देख लो, 12:30 यहीं हो गए यार, शिट गाइस, शिट। तो गाइस घर में सब लगे पड़े, घर में शादी भी, देखो पेंट वगैरह हो रहा और सब जच चुका, शादी में बिजी होने वाला हूँ, वो व्लॉग भी देखने को मिलेगी आपको। तो चलते हैं, अभी सब पेंट में लगे हैं, सब काम चल रहा, गाड़ी बाहर खड़ी है, सब चितर पितर। ये खड़ी अपनी टार्जन द वंडर कार, ब्लू कलर की, इसमें पेट्रोल है वैसे 2 लीटर, मैं और डलाऊंगा अभी, पेट्रोल पंप पर चलते हैं, पेट्रोल भी डलाते हैं। स्टार्ट होने के बाद इसमें भयंकर ही लुक बन जाता है। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। आ चुके हैं मेन रोड पे, यहाँ हौली हौली चलेंगे, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करेंगे, 50, 55, 40 ऐसी मैक्सिमम स्पीड में। तो पहले पेट्रोल इसमें डलाया जाए, तब निकला जाए आगे। तो पेट्रोल पंप आ चुका है, पहले इसको पानी पिलाया जाएगा, फिर उसके बाद आगे जाया जाएगा। भीड़ नहीं है अभी, भीड़ नहीं है, भीड़ कम है। ये क्या है? भीड़ नहीं है, भीड़ कम है। तो गाइस पेट्रोल भर रहा है, तो गाइस पेट्रोल भर चुका है। और आपको मिलते हैं मेन हाईवे पे, जहाँ से हमको विकास नगर निकलना है, वरना ब्लॉग लंबी हो जाती है। कैमरा ढीला हो रहा था तो मैंने इसको सेट करा अभी। ये न्यू हाईवे का काम शुरू हो चुका है और रोड भी बन चुकी है, देखो बहुत जल्दी ही इस पे गाड़ियाँ दौड़ने लगेंगी, पूरा लंबा हाईवे उधर तक पूरा। और चलते हैं अभी, आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ क्योंकि अंधाम आने वाला है, अडानी पुल अभी उसी के पास हुआ है, वहाँ से बालाजी मंदिर पर निकलेंगे, उसके बाद से सीधा सीधा है रास्ता पूरा, अडानी पुल जो कि है बहुत ही मस्त, गजब, बिल्कुल। फ़ोटो शूट करवाने आते हैं लोग काफ़ी सारे, बीच में बना भी रखा था फ़ोटो शूट करने का कुछ टाइम पहले, वो भी अब हट चुका है। यहाँ बना रखा था बाज के पंख, देखो यहाँ लोग फोटो शूट भी कर रहे हैं। ये सामने अपने बालाजी मंदिर, जय हो हनुमान जी, जय श्री बालाजी। तो यहाँ रुका हूँ मैं थोड़ा, अभी यहाँ से बड़ा ही शॉर्टकट है, चलते हैं। विज्ञान धाम भी पीछे ही है, वहाँ की फुल ब्लॉग देखनी होगी तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। विज्ञान धाम एक एक चीज़ बताइए मैंने वहाँ पर क्या क्या है, बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। तो ये आ गया अपना मेन रोड, यहाँ से हौली हौली चलेंगे आराम से, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे मस्ती मारते हुए हल्की हल्की स्पीड में, नज़ारे देखते हुए। तो गाइस सेला कोई पहुँचने वाला हूँ, सेला कोई आ ही गया यहाँ से। और ये हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर, जय हो खाटू श्याम जी। भीड़ है यहाँ पर मंदिर में, काफ़ी लोग आते हैं, जो कि रोड के किनारे ही है मंदिर, जय हो खाटू श्याम जी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, मैं आया था एक बार यहाँ तक कम भीड़ थी, आज कुछ, आज ट्यूसडे भी है शायद, हाँ आज ट्यूसडे है, नहीं वेडनेसडे आज। तो गाइस मैं हूँ सेला कुएं के अंदर, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, हल्के हल्के हौली हौली स्पीड में चलना पड़ेगा, वैसे मैं हौली हौली चल रहा हूँ हल्के हल्के, क्योंकि यहाँ से गाड़ी एकदम आ जा रही, मुझे खुद नहीं पता चल रहा गाड़ी कहाँ से आ रही, क्योंकि यहाँ पर सारी कंपनी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं इधर ही,
बहुत सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, वॉशिंग मशीन हो गया, गाड़ी के पार्ट्स हो गए, सारी चीज़ें यहीं पर मिलती हैं। बाहर बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर अपना काम ढूंढने, रोज़गार ढूंढने, जो कि बढ़िया से मिल भी जाता है। काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेज भी हैं अवेलेबल। आगे पुलिस चौकी भी है, आराम आराम चलेंगे। थाना से लकुई, उसके बाद सहसपुर, हौली हौली स्पीड। तो गाइस थाना सहसपुर क्रॉस कर चुका हूँ। यहाँ से अभी चाचा जी का फ़ोन आ गया, कहाँ रह गया भतीजे? मैंने कहा आ गया बस आपके पास थोड़ी देर में, तो उधर थोड़ा काम भी, चाचा के पास उनके घर भी जाऊँगा। ब्लॉग तो खैर बनी रहा है अपना मस्त, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे ब्लॉग को। जिंदगी जिंदगी बहुत छोटी है गाइस, गिले शिकवे क्या करें किसी से। ये बात अगर इंसान को समझ आ जाए तो घमंडी क्यों रहे कि जिंदगी बहुत छोटी है, यही चीज़ तो समझ नहीं आती। घमंड तो करना ही करना है किसी भी चीज़ पे हो जाए, क्यों गाइस? सही कह रहा ना, घमंड सब जल के राख हो जाना है एक दिन। चलो चलो ब्लॉग को एंजॉय करो, ज़्यादा पर्सनल हो गया मैं। तो गाइस पहुंचने वाले हैं चाचा के घर के पास। यहाँ से थोड़ी दूर है वो, आप एंजॉय कर रहे होंगे ब्लॉग को और मैं रास्तों को। ट्रैफिक सा हो गया था बीच रोड में, हल्का हल्का ट्रैफिक ट्रैफिक, कोई बात नहीं, ट्रैफिक झेल लेंगे, ट्रैफिक झेल लेंगे, झेल लेंगे, झेल लेंगे। यहाँ से हो जाएंगे राइट, अंदर से यहाँ पे भी बहुत गाड़ियाँ चलने लग गई यार, पहले नहीं चलती थी। बस बस थोड़ी दूर, यहाँ रोड। ओहो बाबू बीच रोड में बैठे हैं और कार आ रही है। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा? चल जा रोक ले बेटा जा। हट गया हट गया हट गया हट गया। चाचा को पक्का पता लग गया होगा आ गया मैं। कावी गली, यह गली गास पहुंच गए 5 मिनट में, 2 मिनट में बस। गाइस पहुंच चुका हूं मैं चाचा के पास। ये मेरे चाचा, हेलो कर दो। हेलो। ये इन्हीं के पास आया था मैं मिलने और इन्हीं के फ़ोन से वीडियो शूट हो रही। इन्होंने अभी नया फ़ोन लिया थोड़े दिन पहले, तो ये मेरे को सेंड कर देंगे वीडियो। तो अभी खेत में घूमते हैं, यहाँ पे बहुत शांति शांति है। अपने उधर से चैपो चैपो है ना, यहाँ शांति से बढ़िया करके दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो दूर दूर तक खेत, और मैं भी दिख रहा हूँ आपको कोने में स्क्रीन पे। नाली यहाँ पर सप्लाई, पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई खेतों में होता है। गिम्बल शॉट ले लिया हमने और मैं भी निकलता हूँ घर, टाइम आने वाला है, 3 बज गए। गिम्बल के थोड़े शॉट लिए, एक दो वो मैं दिखा दूंगा आपको व्लॉग में। और खेत देखो, खेत के नज़ारे लो।
बज गए 3:10 और मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ। 4:30 बजे तक मैक्सिमम घर पहुँच जाऊँगा हॉली वाली स्पीड में। अभी बहुत टाइम लगेगा जाने में, आराम आराम चलेंगे क्योंकि ट्रैफिक होगा, शाम का टाइम है और आपको पता ही होगा आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलते हैं हॉली हॉली स्पीड में मस्त। गाइस यहाँ पर और भीड़ हो गई, देखो जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ होती जाएगी क्योंकि इस टाइम छुट्टी का टाइम भी है और सारे सामान वगैरह सब यहीं मिलते हैं, सब्जी वगैरह सब घर लेके जाते हैं अपने। भाई कैसे रिएक्शन दे रहा है। तो गाइस पहुंचने वाले हैं अभी हम घर, क्या टाइम हो गया 3:39। हाय कमर सीधी कर लूं, कमर अकड़ गई, पीछे बैग भी है ना उसका लोड भी है, तो वही है बस सीन। यहाँ से हौली हौली चलेंगे क्योंकि गाड़ी इधर से आ जाती है एकदम, कट कुट नहीं मारते गाइस जब गाड़ी चलाते हैं, समझ गए। कट मारना इस मतलब आपकी बॉडी में कट लगना, अब वो गहरा कट, नॉर्मल कट, फिर अपर कट, लोअर कट, हायर कट, सारे कट लग जाते हैं, इसलिए गाड़ी धीरे चलाओ ताकि कोई कट ना लगे। लाइफ वैसे ही बहुत छोटी है। बस बस थोड़ी ही दूर पे घर है। वैसे तो हालत ख़राब हो चुकी है मेरी बिल्कुल प्रॉपर ढंग से, जल्दी घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ ट्रैफिक क्यों हो रहा है बट इतना, ये ख़तरनाक रोड है, यहाँ बच बच के चलना पड़ता है अपनी आपको बचा के। तो भाई फाइनली घर पहुँचने वाले हैं और ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई व्यू के साथ, नए नज़ारों के साथ। तो सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। तो सब्सक्राइब करके जाना अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो, लाइक का बटन और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ठीक है गाइज, गुड बाय।